दोस्तों, हाल ही में दो भारतीय समाज सेवियों भरत वटवानी और सोनम वांगचुक को रैमन मैग्सेसे पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। इन पुरस्कारों की घोषणा 26 जुलाई 2018 को की गई और रैमन मैग्सेसे पुरस्कार को नोबल पुरस्कार का एशियाई संस्करण भी कहा जाता है। भरत वटवानी और सोनम वांगचुक इस वर्ष यह अवार्ड जीतने वाले 6 लोगों में शामिल हैं। दोनों समाज सेवियों को समाज म्यून के उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें यह जो है अवार्ड के लिए चुना गया है। चलिए जानते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो में कि ये दोनों जो समाज सेवी हैं ये कौन हैं और रमन मैग्सेसे पुरस्कार क्या होता है। तो आप बने रहें वीडियो के आखिर तक। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि इन दोनों को जो है चयन के लिए क्यों चुना गया है रमन मैग्सेसे अवार्ड के। दोस्तों, जो भरत वटवानी हैं ये मानसिक रोग चिकित्सक हैं जो कि मानसिक रूप से बीमार बेसहारा व्यक्तियों के लिए काम करते हैं। वहीं वांगचुक की आर्थिक प्रगति के लिए विज्ञान और संस्कृति का इस्तेमाल करने की पहल ने लद्दाखी युवकों में जो है जीवन में सुधार किया है उनके जीवन में। और रमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन ने कहा है कि वटवानी की यह पहचान भारत के मानसिक रूप से पीड़ितों को सहयोग और उपचार मुहैया कराने में उनके साहस और करुणा के काम के प्रति उनके दृढ़ और उदार समर्पण के लिए की गई है। इस पुरस्कार के अन्य विजेताओं में युग चौंग जो कि कंबोडिया के हैं, मारिया डी लॉटेस मार्टिस क्रूज जो कि पूर्वी तिमोर के हैं, हार्वर्ड डी जो कि फिलीपीन के हैं और वीटी होआंग येन रोम जो कि वियतनाम के हैं, ये भी इन पुरस्कारों में शामिल हैं। चलिए जान लेते हैं भरत वटवानी और सोनम वांगचुक के बारे में। भरत वटवानी जो है मुंबई में रहते हैं और उनकी पत्नी ने मानसिक रूप से पीड़ित बेसहारा लोगों को इलाज के लिए उनकी निजी क्लिनिक में लाना आरंभ किया। इससे दोनों ने 1988 में श्रद्धा रिहैबिलिटेशन फाउंडेशन की स्थापना की और इसका जो उद्देश्य है वह सड़क पर रहने वाले मानसिक रूप से बीमार लोगों को मुफ्त आश्रय, भोजन और मनोरोग उपचार मुहैया कराना है और उन्हें उनके परिवारों से भी मिलाना है। और इनके इसी कार्य के लिए जो है इन्हें रैमन मैग्सेसे के लिए चुना गया है। अब जान लेते हैं सोनम वांगचुक के बारे में। दोस्तों, ये जो हैं सोनम वांगचुक श्रीनगर में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में 19 वर्षीय इंजीनियरिंग के छात्र थे जब उन्होंने अपनी शिक्षा के वित्त पोषण के लिए ट्यूशन शुरू की और उन्होंने बिना तैयारी के छात्रों को मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करने में मदद भी की। 1988 में इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त करने के बाद वांगचुक ने स्टूडेंट्स एजुकेशन एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख की जो है स्थापना की और लद्दाखी छात्रों को कोचिंग देना शुरू किया। वर्ष 1994 में वांगचुक के नेतृत्व में ऑपरेशन न्यू होप शुरू किया गया जिसका उद्देश्य साझेदारी संचालित शैक्षिक सुधार कार्यक्रम को विस्तारित करना और उसे समेकित करना था। और इसी कार्य के लिए जो है सोनम वांगचुक को रमन मैग्सेसे के लिए चुना गया है। चलिए अब जान लेते हैं रमन मैग्सेसे पुरस्कार होता क्या है। दोस्तों, रमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है एशिया का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है और ये नोबल के बाद दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। इसको जो है एशिया का नोबल पुरस्कार भी कहा जाता है। दोस्तों, रमन मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना 1957 में फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति रमन मैग्सेसे की याद में की गई थी और इस पुरस्कार का नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया है जिसका नाम है रमन मैग्सेसे। यह पुरस्कार औपचारिक रूप से 31 अगस्त 2018 को फिलीपींस के सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रदान किए जाते हैं और विजेता को पुरस्कार स्वरूप एक प्रमाण पत्र, मेडल एवं नगद पुरस्कार भी दिया जाता है। दोस्तों, यह उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने बिना स्वार्थ के समाज के लिए अभूतपूर्व जो है योगदान दिया हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपने जाना सोनम वांगचुक भरत वटवानी के बारे में जो कि दो भारतीय हैं जिनको रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है और ये रमन मैग्सेसे पुरस्कार होता क्या है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। आप इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए और हमारे चैनल नॉलेज वैनी को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। अब मिलेंगे दोस्तों हम किसी अगली वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स।